हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गोल्फर्स एल्बो के बारे में। गोल्फर्स एल्बो को हम मीडियल एपिकोंडिलाइटिस या थ्रोअर्स एल्बो भी बोलते हैं, क्योंकि ये नाम गोल्फर्स एल्बो इसलिए क्योंकि ये टेंडन सबसे ज़्यादा यूज गोल्फ करने खेलने में होता है, पर ये हमारे घर की जो फीमेल्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ जो लोग ऐसे सोते हैं इस तरह से फोल्ड करके एल्बो को, या जिनका रिस्ट का मोशन या सुपिनेशन या कोई भी लॉकिंग या इंटरलॉकिंग वाला काम है, उनके भी बहुत ज़्यादा होता है। तो गोल्फर्स एल्बो का नाम सिर्फ जैसे टेनिस एल्बो था वो होता है लिटिल एपिकोंडिलाइटिस और ये होता है मीडियल एपिकोंडिलाइटिस। तो गोल्फ जो खेलते हैं उनको ये ज़्यादा यूज़ होता है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स में ये और भी यूज़ होता है, तो इसलिए इसका नाम गोल्फर्स एल्बो बोला गया। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि गोल्फर्स एल्बो की हमने तीन बेस्ट एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो गोल्फर्स एल्बो में क्या होता है, जो हमारा मीडियल एपिकोंडाइल होता है उसके पास जो टेंडन है यानी कि फ्लेक्सर टेंडन जो होते हैं, फ्लेक्सर टेंडन हमेशा यहाँ होते हैं और एक्सटेंसर टेंडन जो होते हैं वो इस साइड पे होते हैं। तो हम हमारे जो फ्लेक्सर टेंडन है उनमें स्कार टिश्यू डेवलप होना या फिर हमारा इन्फ्लामेशन होना, उसकी वजह से आइटिस वर्ड इन्फ्लामेशन का मतलब होता है। तो जो भी गोल्फ खेलते हैं उनका जो ग्रिप अगर मसल वीक है तो जगह जगह पर जो उनका टिश्यूज जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसकी वजह से इसको गोल्फर्स एल्बो बोला जाता है और इस इन्फ्लामेशन की वजह से ही उनको पेन होता है। अब इस इन्फ्लामेशन को जब हमें लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती जब भी गोल्फर्स एल्बो होता है सबसे पहले ऐसे स्ट्रेच करना शुरू कर देते हैं। अगर पहले टियर हो चुका है वो हमारा टेंडन, तो हमारे बार बार स्ट्रेच करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा पेन बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, हमारा जो मेन मोटिव होता है वो होता है इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करना। तो जब भी आपको एक्यूट इन्फ्लामेशन या हमारा 3-4 दिन तक जो है वो कुछ भी मत करिए, सिर्फ आइस पैक लगाते रहिए और उसको रेस्ट दीजिए। जैसे टेनिस एल्बो का बैंड आता है वैसे एक और बैंड आता है मेरा वैसे जो वीडियो है टेनिस एल्बो पे, वो 2 पार्ट मैंने बनाए हैं, वो भी जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद जो भी कमेंट आएंगे वो कहेंगे कि मैम टेनिस एल्बो पे भी वीडियो बना दीजिए, तो वो ऑलरेडी बना हुआ है। तो टेनिस एल्बो का वीडियो जाके आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो जाके देख लेना। तो अब चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज क्या, इसको हमने स्कार टिश्यू कैसे हमने इसके डीप फ्रिक्शन करनी है वो हमने देखना है। तो सबसे पहले क्या होता है, अब इसको मैं थोड़ा सा इसको रेस्ट पर रख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, स्कार टिश्यू जो फॉर्मेशन होती है या इन्फ्लामेशन होती है उसके अंदर जो टिश्यूज होते हैं अब उनको हमने डीप फ्रिक्शन देनी होती है ताकि हमारा जो टिश्यू है वो रिलैक्स हो। तो आइसिंग के बाद हमने क्या करना है, यहाँ डीप फ्रिक्शन होती है इस जो लेटरल एपिकोंडाइल है इसके मीडियल एपिकोंडाइल इसके बिल्कुल नीचे हमने यहाँ पे डीप फ्रिक्शन या तो हम थंब से दे सकते हैं या हम इस तरह से अपना फिंगर के ऊपर जो बड़ी फिंगर है उसके ऊपर इंडेक्स फिंगर रख के इस तरह से उसको डीप फ्रिक्शन दे सकते हैं। तो डीप फ्रिक्शन देते हुए हमने थोड़ा सा उसके बाद अपने इसको आर्म को ऐसे फ्लेक्शन अपना दूसरी तरफ उसको स्ट्रेच करना है, यानी कि फ्लेक्सर को स्ट्रेच करना है तो हमें रिस्ट का एक्सटेंशन करना पड़ता है। तो इस तरह से हल्का सा स्ट्रेच कर लेना है, फिर उसको डीप फ्रिक्शन देना है, फिर स्ट्रेच कर लेना है, क्योंकि हमारे जितने भी टिश्यूज़ हैं उनको स्ट्रेच करना और स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। पर सबसे पहले मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि हमारा मोटिव होता है कि सबसे पहले हम उसका इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करें। तो अब चलते हैं हमने दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट में हमने ये कर लिया, अब दूसरी एक्सरसाइज में हमने क्या करना होता है, इसको स्ट्रेच करना होता है। जैसे आपको लगे कि अब 1 वीक जो हो गया वो हमारा बीत चुका है, उसके बाद हमने इसको कैसे हमने सेकंड एक्सरसाइज करना है। तो सेकंड एक्सरसाइज में हमने करवानी है इसकी ईसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ईसेंट्रिक का मतलब होता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्शन जो है जब हमने इसको फ्लेक्सर्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो पैसिवली होगा, और जब इसने हमने नीचे लेके जाना है यानी कि रिस्ट को एक्सटेंशन की तरफ लेके जाना है तो वो बड़े कंट्रोल्ड मैनर में होगा, यानी कि मसल का ईसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल खुल रहा है तब उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इस तरह से हमने करना है। कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में ओरिजिन जो और इंसर्शन जो होता है वो क्लोज आता है और ईसेंट्रिक में वो दूर जाता है। तो इसी तरह मैं इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद ताकि आप सबको समझ आ जाए। अब रिस्ट को हमने रख लेना है सुपिनेशन में, क्योंकि सुपिनेशन ही जो असली पोजीशन है। तो इस तरह से सुपिनेशन में रख के हमने क्या करना है, इस तरह से इसको होल्ड कर लेना है। अब पैसिवली हमने क्या करना है, इसको रिस्ट को ऊपर लेके जाना है दूसरे हाथ से, क्योंकि हमने आपको बताया कि फ्लेक्सर्स की मूवमेंट नहीं करवानी है, फ्लेक्सर्स को हमने ईसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन देनी है। तो इस तरह से अब इस तरह से हमने इसको धीरे धीरे इसको नीचे छोड़ देना है, धीरे धीरे नीचे छोड़ देना है। अब ये क्या कर रहे हैं, हमारे जो फ्लेक्सर्स हैं वो नीचे जाने से पहले उसको कंट्रोल्ड मैनर में लेके जा रहे हैं, यही ईसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। इस तरह से वो नीचे लेके जा रहे हैं, आप कंफर्टेबल सिटिंग कर सकते हैं इस तरह से। अब उसके बाद क्या करना है, फिर से इसको धीरे से इसको फोल्ड कर लेना है हमने पैसिवली, और इसको धीरे धीरे बिल्कुल रिलैक्स होके
इसको छोड़ देना, ये लूप जो है ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। अब देखिए इसमें जोर पड़ना शुरू हो रहा है, तो धीरे धीरे हमने इसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन इस लूप को ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पे जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आपने नी पेन के लिए जो जब लूप यूज हुई थी तो उसके बहुत सारे ऑर्डर दिए हैं, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, अब ये स्टॉक में आ चुका है, इसका आप ऑर्डर दे सकते हैं। इसी तरह से हमने नीचे लिखे नंबर पर ऑर्डर दे सकते हैं। फिर से इसको रिस्ट को हल्का सा फ्लेक्शन की तरफ जब लेके जाना है तो हमने इसको फोल्ड कर लेना पैसिवली। अब जब इसको मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ तो हमारे जो फ्लेक्सर्स हैं वो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, हमारे जो ग्रिपिंग मसल्स हैं वो इम्प्रूव भी होते हैं और हमारा जो यहाँ पे लेटरल अपना मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस होता है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। तो अब आता है इसको स्ट्रेच करने का काम, क्योंकि अब हमने इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी कर लिया, पेन आपका काफ़ी हद तक कम हो चुका होगा, आइस पैक भी दे चुके हैं, अब हमने करना है इसको स्ट्रेच। तो इसको कई लोग क्या करते हैं, इस तरह से हल्का हल्का स्ट्रेच इस तरह से करना चाहिए शुरुआत में, क्योंकि हम फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच कर रहे हैं तो एल्बो फोल्डेड में पहले करिए। उसके बाद जब आपने एडवांस लेवल पे करना है फिर एल्बो को स्ट्रेट करके इसी तरह से पोजिशन करके फिर आप इसको इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं, यह पूरा शार्प स्ट्रेच आएगा। एक और चीज़ होती है इसके लिए, आप इस तरह से बेड पर इस तरह से रखें अपने हाथों को, आप इस तरह से भी लेके जा सकते हैं इस तरह से स्ट्रेच करना, या फिर इस तरह से, क्योंकि हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जब हम उसको पुशअप करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब भी काफ़ी हद तक हमें प्रॉब्लम आती है गोल्फर्स एल्बो की। तो हमने क्या करना है, इस तरह से अपने हाथों को इस तरह रख के इस तरह से स्ट्रेच करना है, थोड़ा शार्प स्ट्रेच आता है ये, हम इस तरह से भी हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, तो ये स्ट्रेचिंग है। अब हमने क्या करना है, स्ट्रेचिंग के साथ साथ इसको इन्वॉल्व करना है, हमारा जो जेल बॉल होती है उसको हमने इन्वॉल्व करना है जेल बॉल के साथ भी। अब कहते हैं कि गोल्फर एल्बो खराब ग्रिपिंग टेक्निक की वजह से होता है, तो इसी तरह से सबको तो होता नहीं, जो भी गोल्फ खेलते हैं सबको गोल्फर एल्बो नहीं होता, जिनकी ग्रिप खराब होती है उनको होता है। तो हमने स्ट्रेचिंग के साथ साथ थोड़ा एडवांस लेवल पे हमने ग्रिपिंग भी ऐड करनी है। तो ये हमारे साथ जेली बॉल में हमेशा आपको जब भी हमारी हैंड रिस्ट या फोर आर्म की एल्बो की एक्सरसाइज आएंगी उसमें जेल बॉल यूज़ होगा ही होगा, क्योंकि ग्रिपिंग के लिए मुझे सबसे अच्छा डिवाइस यही लगता है। तो इसको ऑर्डर करने के लिए आप नीचे लिखे नंबर पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। अब हमने स्ट्रेचिंग कैसे करनी, इसी तरह से हाथ रख के अपने आपको मैंने कहा था रिस्ट को इस तरह से एक्सटेंड कर लेना, अपना रिस्ट को बिल्कुल एक्सटेंड कर लेना ताकि हमारे जो फ्लेक्सर्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेच हो जाए। उसके बाद ग्रिप करके आपने इसको रेडियल डेविएशन की तरफ मोड़ देना, यानी कि हमारा जो चीज़ है हमारा अल्नर डेविएशन होता है इस तरफ और रेडियल होता है इस तरफ। तो हमने क्या करना है, रोटेशन के साथ साथ सबसे पहले तो हमने सुपिनेशन ऐड कर लेनी है, सुपिनेशन पूरी आर्म की, उसके बाद रिस्ट एक्सटेंशन, फिर ग्रिपिंग के साथ हमने रेडियल डेविएशन दे देनी है, उसका पूरा स्ट्रेच आपको यहाँ फील होगा। अब जब ग्रिपिंग के साथ हम स्ट्रेच करेंगे इसका एक तो बेनिफिट होता है कि हमें पता लग जाता है कि अब हमारा गोल्फर्स एल्बो है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन भी कम हो गया और पेन भी कम हो गया, क्योंकि हमने ग्रिपिंग ही तो करनी है, जो गोल्फ स्टिक होता है उसको ग्रिप ही तो करना है, तो जब भी हमने उसको शॉट लेना है तो ग्रिपिंग हमारा प्रॉपर होना चाहिए। तो इसी तरह से हमेशा हमारी ग्रिपिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने स्ट्रेच करके इसको रेडियली डेविएट कर देना है सुपिनेशन में। तो ये एक्सरसाइजेस हम ज़रूर करिए आप जब भी आपको गोल्फर्स एल्बो, टेनिस एल्बो को मैंने पहले ही कहा है कि मेरे दो वीडियोज़ बन चुके हैं, उसको जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिनको भी गोल्फर्स एल्बो है या आपको लगता है जो गोल्फ नहीं भी खेलते घर में भी उनको मीडियल एपिकोंडाइल यानी कि अंदर वाली साइड ऑफ एल्बो में पेन है तो उसको जाके आप ये वीडियो शेयर कीजिए। और साथ ही साथ मुझसे वन टू वन कंसल्टेशन लेने के लिए इस नीचे लिखे नंबर पर जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, उसकी छोटी सी फीस होती है उसको पे करके आप मुझसे वन टू वन कंसल्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से जो प्रोडक्ट इसमें दिखाए गए हैं जैसे लूप और ये जेली बॉल, इसको ऑर्डर करने के लिए आप उसको भी नीचे लिखे नंबर पर जाके ऑर्डर बुक कर सकते हैं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।